विशाल भारत में प्रकृति की सुंदरता समाई है, सभ्यता की गहराई छिपी है, अनोखी संस्कृति की सांसें बसी हैं और कण कण में कला की रोशनी मौजूद है। आज भी ऐतिहासिक कला प्राचीन भारत की गतिशील संस्कृति की पहचान बयां करती है। बिहार के विभाजन से बना झारखंड हिंदुस्तान का वो राज्य है जहां कई संस्कृतियां, कई भाषाएं और कई धर्मों का समावेश है। वनस्पतिक और जैविक विविधताओं वाले झारखंड का इतिहास बहुत पुराना है। राज्य में संस्कृति और कला का अद्भुत संगम देखने को मिलता है। झारखंड के कई हिस्सों को आज भी भले ही विकास की दरकार है, लेकिन यहाँ का सिल्क देश विदेश के बाजारों पर राज करता है। झारखंड के गोड्डा जिले में तैयार होने वाली सिल्क के प्रति आज के युवाओं में एक खास लगाव दिखता है। सिल्क खादी उस प्रक्रिया को कहते हैं जब खादी को सिल्क का साथ मिलता है और फिर ये साथ एक बेहद आकर्षक और मजबूत फैब्रिक के तौर पर सामने आता है, जिसके बाद जब ये बाजारों में उतरता है तो साड़ी, सूट सलवार, कमीज, जैकेट, कुर्ता बनाने के लिए इसका खूब इस्तेमाल होता है। गोड्डा जिले की खादी का अपना एक अलग महत्व है। इस विशेष सिल्क खादी को तैयार करने में कारीगर जी जान लगा देते हैं। ये क्षेत्र जो है गोड्डा जिला में पड़ता है और ये यहाँ तसर प्रोडक्शन का ही पूरा गांव का गांव इसी पर निर्भर करता है। ये लोग का काम ये मतलब पुराना खानदानी काम है, जो इनके बाप दादा इसके पहले भी लोग सिल्क का बुनाई का ही काम करते हैं। लगभग यहाँ 2500 हैंडलूम करघा एक गांव में है भगैया में, और ये छोटा छोटा गांव अगल बगल गांव में भी उसी के देख से ये लोग भी अपना बुनाई का काम का चयन किए हैं। और हम लोग भी इस क्षेत्र को इसलिए बनाए कि यहाँ बुनाई का काफ़ी संभावना है, बुनकर को रोजगार मिले, तो हम लोग ये बुनाई का केंद्र बनाए हैं। खादी कई किस्म की होती है, कॉटन खादी, पॉलिएस्टर खादी, वुलन खादी, डाइंग खादी और इसके अलावा सिल्क खादी, जिसे गोड्डा जिले में बनाने का काम बरसों से चल रहा है। बुनकर भी जानते हैं कि वक्त के साथ जमाने की भी सोच बदली है। पहले जहां खादी सिर्फ बुजुर्गों के लिहाज से तैयार होती थी, वहीं अब खादी और सिल्क के मिलाप ने इसे युवाओं के भी बेहद करीब लाकर रख दिया है। हमारे देश की पहचान है हैंडलूम, और अगर आप पुराने इतिहास की ओर जाना चाहें तो एक मशहूर नाम है कबीरदास जी का, और कबीरदास जी की पहचान हैंडलूम के हिसाब से या जुलाहे के रूप में थी। उन्होंने देश और दुनिया को एक दिशा देने का काम किया, उन्होंने जो कुछ कहा अपने काम के साथ उसको जोड़ने का काम किया। हैंडलूम एक वो विधा है कि जिसकी अपनी एक अलग पहचान है। कई रंगों में तैयार सिल्क लगातार पसंद की जा रही है। फैब्रिक में भी जिस तरह के नए नए प्रयोग हो रहे हैं वो भी ग्राहकों को लुभाते हैं। इन बेमिसाल बुनकरों की वजह से ही सिल्क अब सिर्फ कपड़ा नहीं रह गई, बल्कि सिल्क खादी विशेष प्रोडक्ट के तौर पर दिखी जाती है, जिनका इस्तेमाल सामान्य दिनों में नहीं बल्कि विशेष अवसरों पर भी किया जाता है। वाकई हाथों से तैयार होने वाली सिल्क बुनकरों के हाथों का खूबसूरत करिश्मा है। ताने का काम करते बुनाई का तकरीबन 35-40 साल। इसमें तो जो सामान बनेगा, जैसे साड़ी बन रहा, थान बन रहा, दुपट्टा बन रहा, गमछी बन रहा, जिस तरीके का सूता दिया कि फला चीज बनेगा वो चीज बन गया। धागे तो बहुत तरह का होते हैं, हर तरह का होते हैं, अपना जैसा च्वाइस होता है। अब जैसे साड़ी बन रहा, अब औरतों के लिए जैसा च्वाइस है उस तरीके का डाई होता है। वो रंग लगाने के लिए आपको उसका मर्जी है। है तो खास तौर पर एक कलर बॉर्डर जमीन हो गया, दूसरा बॉर्डर के लिए दूसरे कलर में, तीन कलर में, दो कलर में, इस सब हो जाता है। और आप जितना कलर उसमें डालिएगा उतने गंजन होने से सही ना लगता, किसी किसी को वो भी सही लगता है। बापू की प्रिय खादी अब नए रंग रूप में बाजार में रौनक बिखेर रही है। फैशन वर्ल्ड में सिल्क ने अपनी एक खास जगह बनाई है। सिल्क के डिजाइनर कपड़ों की मांग
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ी है। हालांकि बिहार के भागलपुर में भी सिल्क का बड़ा व्यापार होता है, लेकिन माना जाता है कि यहाँ का सिल्क जरा रफ होता है, पर जब खादी के साथ सिल्क मिल जाती है तो ये मिश्रण सोने पे सुहागा लगता है। हैंडलूम वाला साड़ी ज्यादा मजबूत होता है और पावर लूम का जो है कपड़ा वो थोड़ा कमजोर होता है, क्योंकि वो जो ज्यादा मशीन से चलते रहते हैं ना, उसका गर्दा जो उड़ता है उस पर जो है ना उसका धागा कमजोर होता है, और ये हैंडलूम वाला ये तो सूला से चलता है, ऐसे चला इसका धागा मजबूत होता है और कपड़ा भी मजबूती होता है। खादी और सिल्क दोनों की अपनी खास विशेषताएं हैं। झारखंड दोनों के लिए मशहूर है। इन कारीगरों के हाथों का ही कमाल है जो खादी के साथ सिल्क को इस तरह जोड़ते हैं कि एक नया फैब्रिक बेहतरीन शक्ल में सामने आता है। सोचा था कुछ कि और करें, पढ़ाई लिखाई करके कुछ दूसरा काम करें, इस काम में नहीं आए, मगर कुछ मजबूरी के तहत पढ़ लिख नहीं सके, खाना पीना का दिक्कत में हम लोग को लगा दिया काम में। अब जब काम में लगा दिया तो काम करने पड़ रहा अभी तक। अभी तो ये कोकुन है मलबरी वाला, उसी पर साड़ी बन रहा है, और तो कॉटन भी आता तो उस भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हम लोग को जो महाजन धागा दे देता उसी पर हम लोग काम कर लेते हैं। ज़्यादातर यहाँ पर तो सिल्क का ही धागा चल रहा है, सिल्क जो है ना कॉटन से बारीक होता है। साड़ी के लिए तो महीन ही धागा निकालना पड़ता है, एक साड़ी बनाने में हम लोग को 5 दिन 6 दिन लग जाता। तो हम लोग करते हैं क्या कि 10-5 साड़ी का या 15-20 साड़ी का एक तरह से कर लेते हैं, तो 15 दिन में उसको ये खड़ा कर देते हैं, ये जो बीम बनाते हैं हम लोग, उसके बाद बुनाई होता है तो 2 दिन में साड़ी कुर्ता। बुनकरों की कलाकारी का ही नतीजा है कि झारखंड का सिल्क विश्व भर में मशहूर है। खादी के लिए झारखंड के वातावरण को बेहद अनुकूल माना गया है। इसके अलावा सिल्क यानी रेशम के लिए तो झारखंड सबसे उत्तम कहा जाता है, और ये उन बुनकरों की बदौलत है जो खादी और सिल्क का अद्भुत संगम करते हैं। एक छोटा सा राज्य होने के बावजूद झारखंड उन बड़े राज्यों को टक्कर देता है जहां खादी और सिल्क का काम होता है। वक्त के साथ सिल्क खादी के कारोबार में वृद्धि भी हुई, जिसका श्रेय इन कुशल कलाकारों को जाता है। इन्हीं के हुनर के चलते आज सिल्क खादी आम से लेकर खास लोगों तक पहुंच रही है। रेशम धागा करते हैं ऐसे ऐसे घुराते हैं, भागलपुर से आता है, हल्दी में चढ़ाते हैं और देते हैं चेला से, लकड़ी से निकाल के फिर खोलते हैं उसको, फिर चढ़ाते हैं, 2 महीना लग जाता है गलने में। कहाँ कितना 400-500 में होता है, ज़्यादा नहीं होता है। हम लोग तो ऐसे बैठे रहते हैं ना, तो दिल बतारने के लिए कर देते हैं, मजदूरी कुछ नहीं आता है, बहुत होता है 2-3 घंटा करते हैं और कुछ नहीं, हम ही ना करते हैं, सब करता है। प्लेन और प्रिंटेड सिल्क को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। हाँ, इसके रख रखाव में जरा मेहनत लगती है। झारखंड के निवासियों की जिंदगी में सिल्क के कारोबार ने बड़ी भूमिका निभाई है। गोड्डा जिले में भी ये रोजगार का एक बड़ा जरिया है, साथ ही घरेलू रोजगार की दिशा में एक सार्थक प्रयास है। अब झारखंड के खादी के साथ मिलने वाली सिल्क गोड्डा जिले की रफ्तार बढ़ा रही है। सिल्क खादी अपनी अलग ही छाप छोड़ती है। यहाँ सिल्क और खादी दोनों के लिए अपार संभावनाएं मौजूद हैं। यही वजह है कि झारखंड के कई जिलों, खास तौर से गोड्डा जिले में सिल्क तैयार की जाती है। प्रोसेस होता है कि जैसे कोकून को पहले उबाल करते हैं, उबालने के बाद कोकून का जो ऊपर का भाग होता है फेटी, उसको निकाल करके उससे एक धागा निकलता है, और उसको फिर 8 कोकून को थाली में रख करके और मिला करके 8 धागा को एक धागा बनाते हैं, वो तानी के लिए होता है, और फिर 12 धागा 12 कोकुन का जो कटता है वो भरनी के लिए होता है, फिर एक बॉबिन करके भरना पड़ता है, उस चक्के पर चढ़ा करके बॉबिन करना पड़ता है, बॉबिन होने के बाद फिर ड्राम, इसका एक बड़ा चक्का होता है, उस पर फिर
तानी तनते हैं, हम उसको तानी बोलते हैं। फिर उसके बाद फिर वो छोटा ऐसा बीम है, फिर उसमें इधर से लपेटते हैं, फिर एक एक धागा करके फिर बाय में पार करते हैं, बाय में पास करके फिर रीट में पास किए, इसी तरह से उसका प्रोसेस पूरा हो गया। जहां तक रेशम बनाने की प्रक्रिया है, सबसे पहले कीड़ों के लार्वा से रेशम तैयार होती है। ये दो तरह की होती है, शहतूत यानी मलबरी के पौधों की पत्तियों को खाकर रेशम कीड़ा जो रेशम बनाता है उसे शहतूती रेशम कहते हैं, और दूसरा गैर शहतूती रेशम यानी नॉन मलबरी सिल्क होता है। आगे की प्रक्रिया में धागों को खींचा और लपेटा जाता है, फिर बहुत सारी गड्डियां तैयार की जाती हैं। अब खादी और सिल्क का मिश्रण करने की प्रक्रिया शुरू होती है। मशीन के जरिए बुनकर दोनों का मिलाप बेहद बारीकी से करते हैं। इस दौरान खादी और सिल्क का अनुपात 50-50 प्रतिशत रखा जाता है। इन सारे चरणों से गुजरकर तैयार होने वाली फैब्रिक की बाजार में बहुत मांग है। सिल्क और खादी का ये संगम अपनी पहचान बना चुका है, और फैशन के इस नए दौर में लड़के लड़कियों की पसंद सिल्क भी बनती जा रही है। प्लेन और प्रिंटेड सिल्क को लेकर खासा उत्साह देखा जाता है। हाँ, इसके रख रखाव में जरा मेहनत लगती है, लेकिन जब इससे बने कमीज कुर्ते, सलवार सूट और रंग बिरंगी साड़ियां पहनी जाती हैं, तो बेपनाह खूबसूरत और आकर्षक लगती हैं। गोड्डा जिले में बनने वाली सिल्क तो सात समंदर पार भी अपनी चमक बिखेर रही है। ये आपका देसी तसर है, ये थाई रील है, ये तसर का है, तसर की साड़ी है। तसर तो भागलपुर का ही है, भगैया में जो बनता है वो घिच्चा बनता है, घिच्चा इसी का वेस्टेज का बनता है, वहाँ के भगैया का घिच्चा बहुत नामी होता है, मैंने पूरे वर्ल्ड में नाम है भगैया घिच्चा का। ये आपका मलवरी हुआ, मलवरी सिल्क, इसी का तानी होता है इसमें, ये व्हाइट में है वही चीज़ है, और ये कलर में डाई किया हुआ है, एक कलर उसका नेचुरल ये भी आता है पीला, ये स्टोल है। सिल्क की सबसे बड़ी विशेषता ये होती है कि ये शरीर को सर्दी के मौसम में गर्म रखती है और गर्मी में ठंडक देती है, यानी मौसम के लिहाज से सिल्क उत्तम है। इसके अलावा ये पहनने में काफी आरामदायक होती है, इससे त्वचा को कोई नुकसान नहीं होता, और सिल्क से बने कपड़ों की चमक बहुत लंबे वक्त तक बनी रहती है। बहुत दिन से कर रहे हैं, पहले सीखे उसके बाद काम करने बैठ गए, खाली अभी साड़ी बन रहा है, सोचने का तो बहुत सोचे, मगर हुआ कुछ नहीं, आखिरी में यही मिल गया तो यही चला रहे हैं। हम लोग कच्चा पक्का कुछ नहीं करते, हमको देता है महाजन, उसके बाद दे देते हैं, उसको तैयारी करके दे देते हैं। उसकी चमक सात समंदर पार दिखती है, उसकी रौनक हर दिल के अंदर दिखती है, वो एक ऐसा अद्भुत मिश्रण है जिसे कहते सिल्क खादी है। ज्यादा से वही भागलपुर वाला चाल, उसे कपड़ा महीन होता है और देखने में अच्छा, उसका शाइनिंग होता है, जैसे जैसे उसको पानी में दे के प्रेस करेगा वैसे वैसे उसमें लाइट बढ़ेगा। तो सर के बिनाई के काम करते हैं, हमारे जो उम्र 15 साल उसमें से हमको पहले सूता धागा के लिए चरखा है, चरखा में बोबिन घुराना है, घुरा के वो बोबिन करके इस पर चलेगा, इस पर चढ़ के इसको लपेट के तापर आबाद रीड है, रीड में पार करके उसके बाद बॉय लेके बिनाई शुरू है। धागा तो मजबूत है, वो कोवा गुटी जो गाँट पर होता है वही गुटी से निकलता है। चौसर पहले सूती बीनते थे, अभी चौसर बीने हैं, कारीगर तो बढ़ने के खोजता है, सब आता है तो सीखने के भी अभी भी रुचि है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में खादी देशभक्ति का प्रतीक थी। पूरे भारत में बनने वाली सिल्क खादी में से झारखंड की सिल्क खादी का एक बड़ा हिस्सा होता है।
जल जंगल जमीन से भरपूर झारखंड राज्य में कलाओं का भंडार है। हाथों का हुनर भी यहाँ कम नहीं, और गोड्डा जिले की तरफ रुख करने से मालूम पड़ता है कि कैसे कड़ी मेहनत के बाद सिल्क और खादी का मिश्रण तैयार होता है। काम अभी तो बिल्कुल बंद के कगार पर है, क्योंकि अभी 2 साल से कोकून उपज नहीं हो रहा है। अभी यहाँ का जितने बुनकर हैं उसको धागा नहीं मिल पा रहा है, और जो धागा भी मिल रहा है तो काफ़ी महंगा है। इसके चलते बुनकर जो है काम छोड़ करके अब बड़े बड़े शहरों में जा करके टेंट हाउस में काम कर रहे हैं, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम तो चाहते हैं सरकार का इस पर ध्यान हो, जो कोकून उपज नहीं हो रहा है, जैसे अभी दूसरे देश में काफ़ी सिल्क पर ध्यान फोकस है। अभी हम चाइना गए थे, घूम करके आए हैं, वहाँ मलबरी कोकून को तैयार करके और हम लोगों के यहाँ 4500 रुपया किलो में धागा बेच रहा है, और हमारे यहाँ जो मलबरी तैयार हो रहा है वो 2200 रुपया किलो है। जस्ट डबल में चाइना का धागा आ रहा है और उसी को यहाँ बुनकर यूज कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे कि भाई मलबरी की खेती पर ध्यान दे के सरकार, जैसे चाइना का धागा का बढ़िया कटाई होता उस तरह यहाँ भी कोई मिल लगे ताकि बुनकर को धागा मिल जाए। बापू की खादी से हर वर्ग का लगाव दिखता है, वहीं सिल्क के प्रति भी जुनून बढ़ता जा रहा है। आज सिल्क की बहुत सी रेंज बाजार में मौजूद है, लेकिन अन्य कपड़ों के मुकाबले सिल्क जरा महंगी होती है। इसका ताना बनाते हैं, इसका बाना बनाते हैं। खादी में भी ये यूज होता है, उसमें थोड़ा मोटा टाइप के बनाते हैं, जैसे ताना में ये लगा दिया, अब बाना में कॉटन लगा दिया, उसको बाफदा बोलते हैं। हाँ, तो उसी को देख करके लोग जहाँ तहाँ डिजाइन दिखता है तो खादी सिल्क कहते हैं। भगैया जो है वो घींचा के नाम से मशहूर ज़्यादा, वहाँ घींचा का कपड़ा जिसको टीजी बोलते हैं, टीजीएन बोलते हैं, तो भगैया में ही ज़्यादातर बनता है। और भागलपुर जो है ये थाई रील का ये फेमस है, भगैया ये भागलपुर, इससे अच्छा धागा कहीं नहीं करता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में खादी देशभक्ति का प्रतीक थी। पूरे भारत में बनने वाली सिल्क खादी में से झारखंड की सिल्क खादी का एक बड़ा हिस्सा होता है। अभी एक रंग का काम है, पहले 10 रंग का काम चलता था, पहले 10 धागा चलता था, अभी एक ही धागा चलता है। इससे तो पहले बढ़िया चलता था, पहले जहाँ तलुक होगा तो होगा, नहीं होगा तो समेट लेंगे, जैसे वगैरह चला रहे, ऊपर वाला के दुआ से चल रहा है। कोई दो राय नहीं कि सिल्क का भविष्य उज्जवल है। जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ रही है उसी तरह इसका दायरा भी बढ़ रहा है। हाँ, कई विशेषताओं से भरपूर सिल्क का भविष्य चमकदार ही क्यों ना हो, लेकिन हुनरमंद बुनकरों का भविष्य संवारना बेहद जरूरी है, और नए कुशल कारीगरों का इस उद्योग का हिस्सा बनना, उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देना भी वक्त की दरकार है, ताकि जो डिजाइन बाजार में अपनी चमक बिखेरे हुए हैं वो हमेशा इसी तरह बरकरार रहें। यही बुनाई कम करते हैं, और तो ये धागा तो हम लोग कंपनी के थ्रू जहाँ से माल लाते हैं तो वहाँ से लाए, तो फिर तैयारी करके उसके बाद फिर रिटर्न पहुँचा देते हैं, तो उसमें जो मेरा मजूरी का रेट बन दिया है वही हिसाब से मजूरी हमको मिल जाता है। रेट तो ये थान हमको देता है 1600 रुपया। बहुत से कारीगर तो ये भी नहीं जानते कि उनके बनाई सिल्क कैसे मशहूर हस्तियों तक पहुंच रही है, कैसे देश और दुनिया में नाम कमा रही है। हाथ से खादी बनाने वाले और फिर खादी और सिल्क का मिश्रण करने वाले इन कलाकार कारीगरों की जिंदगी आज भी चुनौतियों को झेल रही है। इन्हें ना ही वो सम्मान मिला है जिसके ये हकदार हैं, और ना ही उतनी कमाई हो पाती है जिससे अपना बेहतर भविष्य बना सकें। ना ना, ये काम में तो घुसावन करेंगे किसी को, कोई बाल बच्चे को नहीं घुसाएंगे, इसमें पोसाता नहीं है तो क्या करेंगे घुसा करके। और बहुत काम है, टेलर का है, लूम का है, बहुत बहुत काम है, बहुत काम सिखाओ, ये काम में किसी को नहीं घुसाएंगे। घर में काम तो किसी को कराने का बात तो छोड़िए, किसी को सोच भी नहीं सकते कि घर में आगे ये काम चले। बस मेरा बाप दादा करते हुए आ रहा, हम तक काम ये हो करके समाप्त, जो बच्चा है वो दूसरा काम करे, इसलिए इसमें परेशानी भी बहुत होता है। आगे काम चलेगा लेकिन इसका बहुत परेशानी होगा, आगे काम कराने वाले को परेशानी होगा, क्योंकि ये काम करने वाला कम हो जाएगा, काम कराने वाला ज़्यादा रहेगा, इस वजह से परेशानी होगा। हमको आप जैसे बता दिए, जिस तरीके का बताए,
मैंने आपको पैसा करके दे दिया, आपको अच्छा लगे खराब लगे आप समझिए, हमको मजदूरी चाहिए, हम घर जाएंगे। झारखंड की सिल्क विदेशों में भी छा गई है। ब्रिटेन, थाईलैंड, इटली, जापान, जर्मनी, अमेरिका और मलेशिया जैसे देशों में इसका निर्यात किया जाता है, जिससे देश में विदेशी मुद्रा आ रही है और रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। मेहनत तो सर अधिक है, ये है मेहनत वाला चीज है, तो मेहनत करना पड़ता है। यही है कि छायाओं में रहते हैं, अपना टाइम से बच्चा पुत्र सब मिलजुल के काम करते हैं, हम लोग यहाँ करते हैं, उसके बाद बच्चा सब भी थोड़ा बहुत जानता है तो घर में वही धागा का भरता है, उसके बाद स्कूल जाता है अपना पढ़ने लिखने के लिए। प्रोडक्शन सर आगे होगा तो करेगा, उसको बुझाएगा कि नहीं इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है, मेरा माता पिताजी करता है तो वो भी कर सकता है। छोटे बच्चे भी हैं, उनको भी लगना पड़ता है, धागा निकालने का काम पहले करते थे, उसमें पेट नहीं भरने लगा तो उसको छोड़ दिए, जो है उसका भी परेशानी बहुत होता था, पैसा नहीं होता था। झारखंड की जीवन शैली में सादापन दिखता है, किसी तरह का कोई ऊपरी रंग यहाँ के लोगों में नहीं दिखता, संस्कृति की छाप साथ चलती नजर आती है और गोड्डा जिला में तो आज भी बुनियादी सुविधाओं की जरूरत दिखती है, पर बावजूद इसके यहाँ बनने वाली सिल्क के प्रति बुनकरों के हुनर में कोई कमी नहीं। झारखंड की ये देन हिंदुस्तान की पहचान का अटूट हिस्सा बन गई है। मधुबनी की सिक्की कला बिहार की प्राचीन कलाओं में से एक है। यह कला हस्तशिल्प के विशिष्ट सौंदर्य का प्रतीक है। सजावट के सामान जब सिक्की कला का रूप लेती हैं, तो दूसरी कलाएं भी पीछे छूट जाती हैं।